मैं हर बात पे लूजर फील करता हूँ यार। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा। आई जस्ट फील आई वर्क हार्डर व्हेन आई थिंक आई एम नॉट गुड इनफ। आई ऑलवेज फील आई एम नॉट गुड इनफ। उल्टा मैं बहुत चीज़ें मजाक में कह देता हूँ, मुझे नाचना नहीं आता, मेरे 5 एक्सप्रेशन हैं। मैं जेन्युइनली ये बातें मानता हूँ कि मैं हर चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो मुझे मेहनत और करनी पड़ेगी। आई थिंक सबको यार कभी ना कभी हर जगह पर कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता ही रहता है दिन में जहाँ पे आप जीरो फील करते हो। सो मैं यार बहुत बहुत हर चीज में ऐसा फील करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव लैक ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। आई रियली बिलीव दैट। आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस इज अ वर्स थिंग देन फीलिंग लाइक अ लूजर। आई थिंक एक्सट्रीम्स तो वैसे नहीं होते, तो लूजर से थोड़ा बेटर फील करते रहो तो मेहनत ज्यादा होती है। जब मैं शुरुआत में था तो मुझे एक्टिंग का शौक था, और वो एक्टिंग का शौक ऐसा नहीं था कि मैं टैलेंटेड था, बट मुझे शौक था। और मुझे सब ने मुझे ये बोला कि तुम्हारी नाक खराब है, तुम इतने लंबे नहीं हो, तुम बोलते बहुत तेज हो और तुम सांवले रंग के हो, तो तुम हीरो नहीं बन पाओगे यार। और मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला जिनको मैं जानता था, एंड आई शुड हैव टेकन दैट, एंड आई से दैट टू एवरीवन कि यार वो सब ठीक है यार, लेकिन मुझे एक्टिंग करने का शौक तो है, वो मैं नहीं मार सकता, वो मैं करता रहूंगा। तो मेरे दिल में इस बात का जज्बा था कि मैं एक्टिंग जरूर करूंगा, और ठीक है ना यार, नहीं लगता हीरो तो नहीं लगता, समथिंग विल हैपन। द थिंग इज दैट यार वी आर वेरी क्विक टू जज, एंड आई थिंक दिस जजमेंटल नेचर दैट वी हैव, एंड आई वुड लाइक टू टेल ऑल यंगस्टर्स, बिकॉज आई थिंक समवेयर वी हैव बिकम इवन मोर एंड मोर जजमेंटल। यू नो द कमेंट्स दैट आई रीड समटाइम्स, दैट एवरीवन जंप्स द गन टू टेल यू हाउ बैड यू आर। कैन यू स्टॉप योरसेल्फ एंड थिंक फॉर अ मोमेंट हाउ वंडरफुल यू आर within this given non-niceness of the world that exists between us. So in every wrongness and even in death, try to find something nice. So this is the only message I'd like to give, that you know, instead of being judgmental, let's try and find something nice about everything in life, and it'll be much nicer, you enjoy it more. I feel I could be someone who can give positivity to people to become better, बिकॉज मेरे साथ जिंदगी में बहुत अच्छा हुआ। आई लिव्ड अ ड्रीम लाइफ यार। मैं कभी इस बात को झुठलाता नहीं हूँ, मैं बाहर से मूवी स्टार हूँ और लोग इतना प्यार करते हैं, बट सेम दिक्कतें सबको होती हैं, स्ट्रेस एंग्जाइटी हर चीज़ होती रहेगी लाइफ के अंदर, और रोज़मर्रा की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, पैसे की दिक्कत होती है, घर की दिक्कत होती है, छोटी छोटी नौकरी की दिक्कत होती है, और वो कभी कम नहीं होगी। आप ये मत समझना कि स्कूल में है कॉलेज में कम होगी, कॉलेज में है नौकरी में कम होगी, नौकरी में है शादी में कम होगी, पर बच्चों में नहीं होगी। ऐसा हर जिंदगी में हर कुछ जगह पे स्ट्रेस आएगा, लेकिन एक छोटी सी बात बताऊंगा जो मेरे दिल के करीब है, फिल्म का डायलॉग नहीं है, जेन्युइनली ये मेरी लाइफ का फलसफा है। उस जॉब में हूँ जहाँ पे हमेशा हर फ्राइडे जिंदगियाँ बदलती हैं, बनती हैं, टूटती हैं। मेरी खुद की फिल्में बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत ख़राब बनी हैं, बहुत दुख हुआ है, बहुत हंसी आई है, बहुत चोटें लगी हैं, कुछ चीज़ें सही हुई हैं, बहुत सारी गलत हुई हैं। आज भी शायद 70 फिल्मों से शायद 30 ही फिल्में मेरी चली होंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सक्सेस रेट है, और हर बात पर दुख होता है, हर बात पर खुशी होती है, बट वो फिल्म की लाइन है, अंत में सब ठीक हो जाता है। ठीक ना हो तो वो भी अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, और ये ज़िंदगी का फलसफा है। बट एक जगह पे आकर यार ऐसा करना ही पड़ता है जिंदाबाद, कि यार जिंदगी काटनी नहीं है हमें यार, हमें जीनी है, बिकॉज एक ही है। एंड इट्स समथिंग आई टेल माय चिल्ड्रन दैट एट द एंड ऑफ इट ऑल वन लाइफ वन बिलीफ एंड दैट इज लिव इट फुलेस्ट। और अंत में ठीक ही होगा यार, जो भी आप मानते हैं, भगवान में मानते हैं, खुदा में मानते हैं, गॉड में मानते हैं, जिसकी भी आप पूजा करते हैं, माँ बाप की पूजा करते हैं, उनको सीनियर मानते हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं, व्हाटएवर यू बिलीव इन, दैट फोर्स विल मेक इट ऑल राइट। Think positive, don't think negative for others, believe in the goodness of life, and it will reward you again and again and again.